देख सकते हो काजू और स्वीटी को बिना इजाजत के ये दोनों खाना खाने लग गया है यहाँ पे। चलिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि काजू और स्वीटी को मैं क्या क्या खाने के लिए देता हूँ। और यहाँ पे रहे स्कूबी, इसको मैंने अभी बांध दिया है क्योंकि ये भी खाना को खा लेगी। तो दोस्तों चलिए मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ये खाएगी और हम बात करेंगे। दोस्तों अभी मैंने डॉग फूड और चावल और दही ऐड करके दिया है, और जो मॉर्निंग के टाइम में देता हूँ डॉग फूड नहीं है, ये पपी फूड है। ठीक है, मॉर्निंग के टाइम में मैं पपी फूड उसमें वाटर मिक्स करके जब वो फूल जाता है तो फिर मैं कर्ड ऐड कर देता हूँ और फिर खाने के लिए देता हूँ। और अभी दोपहर के टाइम में मैं चावल मिक्स कर देता हूँ, आप देख सकते हो, क्योंकि घर का भी खाना यदि ये खाती रहेगी तो बाद में मुझे कोई इशू नहीं रहेगा, क्योंकि एक साल के बाद कम से कम 50% फूड घर का होना ही होना चाहिए। तो इसके वजह से मैं चावल यहाँ पे दे रहा हूँ। ये रही स्वीटी और ये काजू जी। और अभी बहुत ज़्यादा खाना मैंने डाल दिया था, और दोपहर के टाइम में जब ये दोनों छोड़ देते हैं तो फिर स्कूबी खाती है। इसका रिसेंटली में मेटिंग हुआ था तो इसको बहुत ही रिलैक्स चाहिए, और टॉमी इसको परेशान कर देता है, हमेशा इसके साथ खेलना चाहता है, तो उसके वजह से मैंने टॉमी को दूर कर दिया है। फिर कुछ दिन के बाद मैं यहाँ पे रख दूंगा। आप देख सकते हो कि बहुत जल्दी फिनिश कर दिया है मैंने, और अब मैं स्कूबी को खोल दूंगा, अगर इसे खाने का मन होगा तो ये भी खा लेगी। ठीक है, वैसे स्कूबी बीच में नहीं खाती है, अगर ये सब छोड़ देते हैं तो फिर लास्ट में वो खाती है। तो लगता है काजू बहुत ही अच्छे तरीके से खा लिया है, इसके वजह से यहाँ से वो दूर जा रहा था। तो ये रहा अपना घर, आप देख सकते हो, और बाहर साधु जी भी हैं। और यहाँ पे रहा अपना काजू स्वीटी स्कूबी का रूम, और ये रूम बहुत ही मस्त रूम है, मतलब बहुत ही ठंडा रहता है ये रूम। क्या स्कूबी क्या हुआ, क्यों नोच रही है तुम? चलिए अभी स्कूबी भी खाना खा रही है। मैं नॉर्मली दोपहर में स्कूबी को खाना नहीं देता हूँ, बट जब काजू और स्वीटी छोड़ दे तो फिर स्कूबी भी खा लेती है उसे, क्योंकि अगर ये नहीं खाएगी तो फिर खाना वेस्ट हो जाएगा, इसी की वजह से मैं स्कूबी को भी खिला देता हूँ। तो स्वीटी हेलो बोल दो सबको, हेलो बोल दो,